कई दिनों से राजस्थान में चली बस पॉलिटिक्स आखिरकार बुधवार को समाप्त हो गई और इन बसों को उत्तर प्रदेश जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते बसों को वापस लौटा दिया गया। अब इस मामले में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है, जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के नेताओं की ओर से आरोप ये लगाए गए हैं कि जो बसें राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी हैं वह सरकारी बसें हैं और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल राजस्थान में किया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यह साबित कर दें कि एक भी बस सरकारी थी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर यह बात गलत निकले तो दिनेश शर्मा और योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी से इस्तीफा दें। इसके साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि इन बसों को फिटनेस के नाम पर रोकना गलत था, जबकि केंद्र सरकार के साफ आदेश हैं कि 30 जून तक बस को फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में केंद्र सरकार को योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रियंका गांधी जी को चिंता थी, उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम बसें लेना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको बसें आप लेकर आइए, हम आपको बसों की अनुमति देंगे। उन्होंने बसें कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि पहले सोनिया गांधी जी ने कहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने लेवल पे पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने जो बसें इकट्ठा की, अपनी तरफ से पार्टी ने पैसे दिए, वो लगभग 1000 बसें